अध्यक्ष जी, जून साहब ने जो मुद्दा उठाया बेहद गंभीर है, और जैसा कि बंदा कुमारी जी ने भी बोला कि शहर के अंदर कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है। विजेंद्र गुप्ता जी ने भी बताया कि G20 के अंदर ट्रैफिक सुचारू रूप से चला, मगर ये नहीं बताया कि G20 पे ट्रैफिक सुचारू चल सके इसके लिए सारे स्कूल कॉलेज दफ्तर सब बंद कर दिए गए थे दिल्ली में, क्योंकि केंद्र सरकार को मालूम था कि ट्रैफिक पुलिस की हालत इतनी खस्ता है कि अगर आप G20 के दौरान दिल्ली को उसी तरीके से चलाएंगे तो आपके G20 में आने वाले लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये जिस तरीके से G20 के दौरान सब स्कूल कॉलेज दफ्तर सब बंद किए गए, ये केंद्र सरकार और ट्रैफिक पुलिस या कह सकते हैं दिल्ली पुलिस या कह सकते हैं LG साहब की कार्य प्रणाली को साफ जो है दिखाता है। और मैं सिर्फ पुलिस को दोष नहीं दूंगा इसके अंदर, आप किसी भी थाने में चले जाइए, SHO का जो रूम होता है वहां पे एक टेबल लगी होती है कि इस थाने की स्ट्रेंथ कितनी है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI SI, उस टेबल में आपको दिख जाएगा कि जितनी स्ट्रेंथ उस थाने की होनी चाहिए उसमें करीब 30% कमी है, कई कई जगह 40% कमी है। जब आपके पास बीट कांस्टेबल है ही नहीं तो बीट पे जाएगा कौन, आपके पास ASI नहीं है, SI नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे, कोर्ट में जाके जो है गवाही देंगे, क्या क्या करेंगे। तो ये एक सौतेला व्यवहार केंद्र द्वारा किया जा रहा है, और इसके अंदर सबसे जरूरी पहली तो ये है कि भर्तियां की जाएं, पुलिस की रिक्त जो स्थान है उनको भर्तियां की जाएं। और जिस तरीके से LG साहब बहुत जोश से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामों के अंदर निरीक्षण करने जाते हैं, कभी नाले पे चले जाते हैं, कभी सड़क पे चले जाते हैं, मतलब किसी भी चीज का उनको पता चलना चाहिए कि दिल्ली सरकार ये काम करने वाली है, इसका टेंडर हो गया, इसका वर्क ऑर्डर हो गया, तो एक दिन पहले वहां पे जाके निरीक्षण करने चले जाएंगे ताकि उन लोगों को ऐसा लगे कि ये करवा रहे हैं। फ्लड विभाग का काम होने वाला था, हमारे सुरेंद्र कुमार जी बैठे हैं, कहां गए, हाँ, ये बेचारे मेरे पास 2 बार दफ्तर में आए, मीटिंग की हमने, इनके काम को करवाया, वर्क ऑर्डर हो गया, टेंडर हो गया, इन्होंने उद्घाटन कर दिया, उसके बाद LG साहब चलेगा अखबार वालों को लेके वहां पे कि ये हालत बहुत खराब है, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को ऐसा लगे कि LG साहब ने करा दिया है। तो मेरे को इसमें कोई एतराज नहीं है, वो जाएं घूमें, मगर कम से कम थानों में भी तो जाएं। दिल्ली में 400 थाने हैं, वहां भी जाएं ना, रोज एक थाने में जाएं शाम को, वहां देखें कि आज हमारी बहन बेटी थाने में घुस के कंप्लेंट कराना नहीं चाहती है क्योंकि माहौल ऐसा है थानों के अंदर। रात को जाएं, गश्त लगाएं इलाकों की कि क्या वहां पे बीट कांस्टेबल आ रहा है नहीं आ रहा, क्या पुलिस की चौकियां जो रात को लगी हुई हैं वहां पे पुलिस वाले बैठे हैं नहीं बैठे, बैठे हैं तो क्या नशे में धुत बैठे हैं या ठीक चौकस बैठे हैं, देखें तो सही। तो ये बहुत जरूरी है कि केंद्र ने अगर ये जिम्मेदारी जबरदस्ती हड़पी हुई है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को केंद्र देखेगा, तो केंद्र जो है इसकी जिम्मेदारी भी ले, ये बहुत जरूरी है। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के भी साथियों से निवेदन रहेगा कि दिल्ली पुलिस की एक तो भर्तियां कराएं और LG साहब को अपने केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश दें कि वो रोज एक थाने में जो है जाके जो है उसका निरीक्षण करें और उसकी प्रेस रिलीज दें। भाई जैसे दिल्ली के बारे में प्रेस रिलीज देते हैं कि यहां ये नहीं रहा, यहां ये नहीं रहा, वहां पे भी जाए निरीक्षण दें और एक प्रेस रिलीज दें, ये मेरा जो है निवेदन रहेगा। और चर्चा जो है जून साहब ने शुरू की, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि एक बहुत जो है जरूरी ये मामला था, इस पर चर्चा होनी जो है बहुत दिनों से ड्यूटी थी। धन्यवाद।